हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच बाइक्स बताऊंगा जो कि अपनी अपनी सेगमेंट में बेस्ट है। तो इस लिस्ट में टोटल मैंने फाइव बाइक्स को इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जाननी है कि कौन सी बाइक अपनी सेगमेंट में बेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आपने मेरे को अभी तक से इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बाइक कार से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स मिल जाएंगे मेरी तरफ से। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं इस स्पोर्ट्स एक्शन कैमरा को, जिसका नाम है Gyann H9R। दोस्तों, ये जो कैमरा है इसको मेरे को भेजा Banggod.com ने, और ये कैमरा एकदम बजट रेंज का कैमरा है। इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ से लेके 3500 रुपीज़ के बीच में फ्लक्चुएट होते रहती है। फिलहाल इसकी जो प्राइस चल रही है Banggod.com में वो 3200 रुपीज़ चल रही है। और दोस्तों, अगर आप Banggod ऐप को डाउनलोड करते हैं, नीचे जो लिंक दी हुई है उससे, तो आपको $10 का ऑफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कैमरा में आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको 4K अल्ट्रा HD का सपोर्ट मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल्स का फोटो मिल जाता है, वाटरप्रूफ मिल जाता है। ये कैमरा 30 मीटर्स तक वाटरप्रूफ है, और इसमें आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें दोस्तों और भी फीचर्स मिलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कैमरा में आपको तीन टाइप्स के वीडियो मोड्स मिल जाते हैं। पहला आपको 4K मिल जाता है 30 FPS पे, दूसरा फुल HD मिल जाता है 60 FPS और 30 FPS पे, और लास्ट में आपको HD मिल जाता है 120 FPS पे। इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 1050 mAh की बैटरी मिल जाती है। 2 इंच के इसमें आपको LCD मिल जाता है, और इसमें आपको 170 डिग्री का सुपर वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कैमरा में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। अब हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट में क्या कुछ आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अनबॉक्स भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो ये सील है इसको निकाल देता हूँ, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। वैसे पैकिंग काफ़ी अच्छी करके दी है कंपनी ने, तो हम लोग इस सील को मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं इसमें हम लोग को क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, ये था इसका कवर, और ये रहा हम लोगों का कैमरा। तो चलिए दोस्तों, पहले कैमरा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कैमरा को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये निकाल लिया हम लोगों ने कैमरा को बाहर। तो अब कैमरा को पहले साइड में रख देते हैं। ये रहा एक कैमरा, और देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि बॉक्स में भी क्या कुछ है। तो ये है इसका यूज़र गाइड, देख लेते हैं कि कैमरा को यूज़ कर। चलिए देख लेते बॉक्स के अंदर और क्या कुछ है। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ मिल जाते हैं। तो इसमें इस कैमरा की एसेसरीज है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते क्या एसेसरीज आपको मिल जाती है। तो ये आपको कुछ इसमें स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, और ये कैमरा के कुछ माउंट्स हैं। ये इसका रिमोट है दोस्तों, ये जो कैमरा है ये रिमोट से भी कंट्रोल हो जाएगा, ये मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। ये जो है ये माउंट ये बाइक में आपकी लग जाएगी या बाइसाइकिल में लग जाएगी। और दोस्तों, ये जो माउंट है ये ट्राइपॉड में लगने वाली माउंट है। अगर आप ट्राइपॉड से इस एक्शन कैमरा को अटैच करना चाहते हैं तो इस माउंट से आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी सारी एसेसरीज मिल जाती है सिर्फ इस बॉक्स में। आपको इतनी सारी एसेसरीज मिल जाती है इस एक्शन कैमरा के साथ। अब हम लोग दूसरे बॉक्स को भी चेक कर लेते हैं कि दूसरे बॉक्स में जो हम लोग को मिल जाता है वो क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये इसका दूसरा बॉक्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ मिल जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। तो ये है कैमरा को चार्ज करने के लिए केबल, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। और ये है चार्ज करने के लिए एडाप्टर, ये जाता है। तो इसमें आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है जिसके मदद से इस ये जो रिमोट है वो आप
अपने रिस्ट में बांध सकते हैं और कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको इस बॉक्स में इतने कंटेंट मिल जाते हैं और ये हम लोग का एक कैमरा है। तो अब कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, कंटेंट को हम लोग दूसरी जगह रख के। दोस्तों आप मेरे हाथ में जो ये रिमोट देख रहे हैं, इसको यूज़ करना इस कैमरे के साथ काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको कोई भी मोबाइल ऐप या वाईफाई से इस कैमरा और इस रिमोट को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप जो बटन प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैमरा वर्क करेगा। पहले हम लोग कैमरे को ऑन कर लेते हैं, तो ये बटन दबा के मैं कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ कैमरा ऑन हो गया। तो अब जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आपको करना ये है कि अगर आपको इसमें से फ़ोटो खींचना है तो आप ये जो ऊपर रेड वाली बटन दिख रहा है इसको आप प्रेस करेंगे, तो देखिए इसमें फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। और वहीं अगर आपको वीडियो शूट करनी है वायरलेसली तो आप ये जो नीचे में बटन दिख रहा है इसको आपको प्रेस करना होगा। इसको मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो ऑटोमेटिकली शूट होनी चालू हो गई है जैसे ही मैंने इस वाली बटन को दबाया, ये जो आपको सेकंड में दिख रहा है। दोस्तों ये इसके साथ जो रिमोट आता है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना। तो ऐसे ही आप इस कैमरा को वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं इस रिमोट के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इन सभी बाइक्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इन सभी बाइक्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। वो चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक करके या नीचे जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे उसको फॉलो करके वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो फिफ्थ नंबर पर बाइक है वो है इंडिया के सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो की तरफ से। इसका नाम है हीरो पैशन एक्स प्रो। हीरो पैशन एक्स प्रो एक काफ़ी अच्छी 110 सीसी की बाइक है और 110 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको 110 सीसी का इंजन मिल जाता है, 9.3 bhp का पावर मिल जाता है, 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आप लोग नहीं जानते i3s टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर ये क्या होती है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये बाइक में आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हीरो पैशन एक्स प्रो में जो आपको रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है और दोस्तों इस बाइक का इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारी फिफ्थ नंबर पे बाइक थी हीरो पैशन एक्स प्रो, जो कि काफ़ी अच्छी 110 सीसी की बाइक है और 110 सीसी सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे बाइक है ये 125 सीसी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और इसका नाम है होंडा CB7 SP। दोस्तों होंडा CB7 SP 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है और ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होती है। होंडा CB7 SP में आपको 124 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि 10.5 bhp का पावर जनरेट करता है और 10.3 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंजन मिलता है CB7 SP में और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। इसमें आपको CBS मिल जाता है, इसमें यानी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जिसके मदद से अगर आप फ्रंट वाली ब्रेक को प्रेस करेंगे तो रियर ब्रेक ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी को सबसे पहली बार होंडा ने ही इंट्रोड्यूस किया था टू व्हीलर सेगमेंट में और इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारी फोर्थ नंबर पे बाइक थी होंडा CB7 SP, जो कि 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे बाइक्स हैं उनके बारे में।
दोस्तों यहाँ पे मैंने बाइक्स इसलिए कहा क्योंकि थर्ड नंबर पे एक्चुअली में दो बाइक है, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो 150 से 160 सीसी सेगमेंट की है। जैसा आप जानते हैं कि 150 से 160 सीसी सेगमेंट में आपको काफ़ी सारी बाइक्स मिल जाती है, लेकिन 155 सीसी की एक आपको बाइक मिलती है जो कि बाकी 160 सीसी बाइक और 150 सीसी बाइक्स की लीडर है, जो कि है यामा R15 V3। दोस्तों यामा R15 V3 155 सीसी की बाइक है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा पावर और काफ़ी अच्छा टॉर्क मिल जाता है। इस बाइक में आपको 19.3 bhp का पावर मिल जाता है 10,000 rpm पे और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 8,500 rpm पे। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, इसमें आपको VVM मिल जाता है और यामा R15 V3 में काफ़ी अच्छा लो एंड परफॉर्मेंस और मिड एंड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको वाइट टायर कॉन्फिग्रेशन भी मिल जाते हैं और दोस्तों इसमें आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन शो करता है और काफ़ी इसका इन्फॉर्मेशन देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड नंबर की फर्स्ट बाइक थी जो 150 से 160 सीसी सेगमेंट की है, और थर्ड नंबर की जो सेकंड बाइक है 150 से 160 सीसी सेगमेंट में वो है TVS की अपाची RTR 164V। अपाची RTR 164V 160 सीसी सेगमेंट की काफ़ी अच्छी बाइक है जिसमें आपको क्लास लीडिंग पावर मिल जाती है, 16.4 bhp की आपको इसमें पावर मिल जाती है 8,000 rpm पे और 14.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 6,500 rpm पे। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है और अपाची 164V में आपको काफ़ी अच्छा लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इस बाइक में भी आपको वाइट टायर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं रियर में और इस बाइक में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। जैसा इसमें आपको टॉप स्पीड रिकॉर्डर मिल जाता है, 0 to 60 टाइमर मिल जाता है, लैप टाइमर मिल जाता है और अगर आप इसके FI वर्जन के साथ जाते हैं तो उसमें आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने इस बाइक में क्लास लीडिंग पावर क्यों कहा, तो दोस्तों R15 V3 जो है उसकी प्राइस अपाची से कंपैरिजन में ज़्यादा हाई है, इसलिए अपाची जो है वो बाकी 160 सीसी सेगमेंट की लीडर है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लास लीडिंग का टर्म यूज़ किया। और R15 V3 जैसे आप लोग जानते हैं कि वो तो 150-160 सीसी सेगमेंट से एक कदम आगे ही है। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड नंबर पे दो बाइक्स थी, अपाची RTR 164V और यामा R15 V3। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे बाइक है उसके बारे में। दोस्तों जो हमारी सेकंड नंबर पे बाइक है ये बिलोंग करती है 200 सीसी सेगमेंट से और इसका नाम है बजाज पल्सर RS 200। RS 200 एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है 200 सीसी सेगमेंट में। इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा टॉप एंड परफॉर्मेंस मिलता है, इसमें आपको 24.5 bhp का पावर मिल जाएगा 9,700 rpm पे और इसमें आपको 18.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा 8,000 rpm पे। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है इंजन का वो है 199 cc। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, LED टेल लैम्प मिलता है, LED इंडिकेटर मिलता है और इसमें आपको रियर टायर जो है वो वाइडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड नंबर की बाइक थी बजाज पल्सर RS 200 जो कि काफ़ी अच्छी 200 सीसी की बाइक है और ये हमारी सेकंड नंबर पे थी। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है और ये बाइक जो है दोस्तों ये बिलोंग करती है 250 सीसी सेगमेंट से। दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है हमारी ये है ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी KTM की तरफ से और इसका नाम है KTM Duke 250। KTM Duke 250 काफ़ी अच्छी 250 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको क्वार्टर लीटर का इंजन मिल जाता है जो कि 29.6 bhp का पावर जनरेट करता है 9,000 rpm पे और इसमें आपको 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 7,500 rpm पे। इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस मिलता है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं और इसकी जो टायर कॉन्फ़िगरेशन है फ्रंट और रियर दोनों ही में आपको वाइट टायर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। KTM Duke 250 में आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाता है और अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये बाइक में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसा इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ऐसे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी फर्स्ट नंबर पे बाइक थी KTM Duke 250 जो कि क्वार्टर लीटर इंजन के साथ आती है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही मेरा वीडियो था कि कौन सी बाइक अपनी सेगमेंट में बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।